हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइसी किचन टेल्स। बिल्कुल सही समझा आपने, आज हम बनाने वाले हैं चिकन टिक्का घर पे और वो भी तवे पे। ये खाने के बाद आप रेस्टोरेंट में मिलने वाला तंदूरी चिकन टिक्का भूल जाएंगे। तो आइए देख लेते हैं कि इस चिकन टिक्के को हम घर पे कैसे बना सकते हैं बिना बारबेक्यू ग्रिल के। तो चिकन टिक्का बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 500 ग्राम चिकन, जिसको मैंने इस तरह के पीसेस में कट कर लिया है। 1-2 इंचेस के पीसेस चाहिए हमें चिकन टिक्का बनाने के लिए। इसमें ऐड कर देना है सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून लेमन जूस। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स करके 30 मिनट्स के लिए साइड में रख देना है। अब हमें चिकन को मैरिनेट करने के लिए एक मैरिनेशन रेडी करना है, जिसके लिए मैंने एक बोल ले लिया है। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ इसमें 1 टेबलस्पून हंकर्ड। हंकर्ड कोई अलग चीज़ नहीं है, यह आप घर पे ही बना सकते हैं। करना बस इतना है कि आपको एक मसलिन क्लॉथ लेना है, जिसमें आप दही को रख दीजिए थोड़ी देर और उसका सारा पानी निकाल दीजिए। पानी निकल जाने के बाद हमें कुछ इस तरह का थिक दही मिल जाएगा जो हंकर्ड कहलाता है। अब इसमें ऐड कर देना है 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून क्यूमिन पाउडर यानी ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और सॉल्ट। अब इसमें मैं 1/4 टीस्पून ले रही हूँ रेड फूड कलर और 1 टीस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। फूड कलर बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें और अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। बस ये कलर के लिए है, इससे टिक्के का कलर बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैं इसमें रेड फूड कलर ऐड कर रही हूँ। अब इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है और चिकन को मैरिनेट करने के लिए ये हमारा मैरिनेशन रेडी है। अब इस मसाले से हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। मेक श्योर कि चिकन के सारे पीसेस बहुत ही अच्छे से इस मसाले में कोट हो जाएं। अब ये टिक्का मैं तवे पे बनाने वाली हूँ, लेकिन मुझे टेस्ट चाहिए तंदूरी के जैसा, तो मैंने एक चारकोल का पीस लिया है जिसको मैंने चूल्हे पे जला लिया है। चिकन को इस तरह से साइड में करके मैंने एक बीच में बोल सेट किया और ये जलता हुआ चारकोल का पीस मैंने इस बोल में रख दिया। अब इसमें आप थोड़ा सा घी या बटर ऊपर से डाल देंगे पीस पे और इसमें से बहुत ही अच्छा सा स्मोक होगा जो आपके टिक्के को बिल्कुल तंदूरी जैसा फ्लेवर देगा। अब आप इसको 10 से 20 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ दीजिए। स्मोक ख़त्म हो जाने पर चारकोल का पीस रिमूव कर दीजिए। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून बटर। आप चाहें तो इसमें ऑयल या घी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बटर से बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसलिए मैंने इसमें बटर ऐड किया है। मैरिनेट होने के लिए इसे फ्रिज में रखना है। अगर आप इसे ओवरनाइट रखेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेंगे। इस तरह से मैरिनेट करके आप चिकन को 2 से 3 दिन भी रख सकते हैं और आपका जब दिल करे तो आप चिकन के पीसेस को निकाल के फ्राई कर सकते हैं। अब टिक्के को फ्राई करने से पहले मैंने 1 कैप्सिकम और 1 बड़ा प्याज को इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया है। अब मैंने ये स्क्यूअर लिए हैं जो आपको ईजिली अमेज़ॉन पे मिल जाएंगे या आप इन्हें किसी भी बर्थडे डेकोरेशन की शॉप से ले सकते हैं। बस अब आपको इसमें चिकन के पीसेस, फिर एक वेजिटेबल का पीस, फिर चिकन का पीस और वेजिटेबल का पीस ऑल्टरनेट सेट कर देना है और सारे स्क्यूअर रेडी कर लेने हैं। तो इस तरह से सारे स्क्यूअर मैंने रेडी कर लिए हैं। अब एक पैन में लेना है थोड़ा सा ऑयल, बटर या घी। स्क्यूअर को रख देना है पैन में, ऊपर से अप्लाई कर देना है थोड़ा सा बटर। एक साइड अच्छे से सिक जाने पर इसको दूसरे साइड पे पलट देना है और इसी तरह से सभी साइड्स पे अच्छे से सेक लेना। अगर ये टिक्का रेसिपी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको मेरे रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बस अब एक बार टिक्का रेडी होने के बाद आप इसको प्लेट में सर्व करें और इस चिकन तंदूरी टिक्के को एंजॉय करें। मैं फिर मिलूंगी आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।